तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कुछ ऐसे फोटो दिखाने वाला हूं जो कि मैंने एक वेबसाइट से क्लिक किए हैं और वहां से आपको सारी डिटेल कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ के ये डिटेल में जा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्राइमोजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सरकार ने एक योजना निकाली है जो कि परिवार के एक सदस्य को गाँव में ही नौकरी देने वाली है और वो भी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, इस नौकरी में आपको भत्ते भी पूरे मिलेंगे, आपको सारा सिस्टम मिलेगा, आपको रहना खाना घर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपको पे स्केल भी वही मिलेगा जो कि एक ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरी में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये योजना, पूरी डिटेल आगे जान लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले करूँगा एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सरकार ने एक योजना निकाली है जिसमें सरकार का कहना है कि जिन भी परिवार में कोई भी सरकारी सदस्य नहीं है या फिर कोई भी उनके परिवार में आज तक सरकारी नौकरी पे नहीं लगा है तो ये योजना सिर्फ उनके लिए लागू होती है। मान लीजिए आपके परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकर नहीं हुआ है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा 18 साल का है, लड़की 18 साल की है या फिर आप खुद 18 साल या फिर उससे ऊपर उम्र के हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलती हैं। सरकार का कहना है कि एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत 12 सरकारी विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां निकाली जाएंगी जिसमें गार्ड होंगे, अस्पतालों में वार्ड होंगे, अटेंडेंट होंगे, ग्राम पुलिस गार्ड होंगे, चौकीदार होंगे, माली होंगे, सहायक होंगे, ग्राम पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ 27 ऐसे पद भी जोड़े जाएंगे जो कि आपकी ग्राम पंचायत और नगर पालिका में कार्यरत हैं। यानी कि जो भी ग्रुप डी और ग्रुप सी में पद आते हैं वो सारे पद लगभग इसमें जोड़े जाएंगे। अगर बात करें इस योजना की तो दोस्तों, इस योजना का नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना। इस योजना में सरकार अभी तक ऐसे 12,000 नागरिकों को नौकरी दे चुकी है जिनके घर में ना तो कोई सरकारी कर्मचारी है और ना ही वो पहले से ही किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। सरकार ने कहा है कि ये योजना धीरे धीरे हर एक राज्य में लागू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इस योजना का जो काम है वो सिक्किम में बड़ी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, अगर एक नए लेख की माने तो ये योजना बहुत जल्दी यूपी में भी लागू होने वाली है और यूपी में ऐसे बहुत से लोगों को रोजगार मिलने वाला है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है जिनके घर में अभी तक कोई भी सरकारी आदमी नहीं लगा है। इस योजना के माध्यम से सिक्किम राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जिसने इस योजना को लागू करके अभी तक लगभग 15,000 के आसपास आवेदकों को नौकरी दे चुका है और उनको उनके ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र भी बांट चुका है। सरकार का कहना है इस योजना में जो भी व्यक्ति काम करेगा या फिर जिस भी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है उसको 2 साल के लिए प्रोविजनरी पर रखा जाएगा। अगर 2 साल तक उसका आचरण बहुत अच्छा रहता है तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर उसके आचरण में कोई भी खराबी देखी जाती है तो फिर उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, किन लोगों को ये लाभ मिल सकता है और कौन कौन से प्रदेश में अभी ये लाभ लागू है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए इसमें काम करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए, आपकी उम्र है 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी ना करता हो, परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत गरीब युवाओं को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेन हैं वो आपके पास होने चाहिए। बाकी जैसे कि आपके पास आपके फ़ोटो होने चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल इंटर या फिर बीए की मार्कशीट होनी चाहिए जिसके अनुसार आपका चयन हो सके। और इसी के साथ साथ आपको एक एज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा
जिससे आपकी एज वेरीफाई हो सके। बात कर लेते हैं दोस्तों ये योजना किन किन राज्यों में लागू है। दोस्तों फिलहाल ये योजना सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में लागू है। सिक्किम ऐसा पहला प्रदेश बना है जो इस योजना को लागू करके लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक नौकरी दे चुका है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, या तो आपकी तहसील में ही आपको नौकरी मिल जाती है या फिर आपके ग्राम पंचायत में ही सरकार आपको नौकरी दे देती है। दोस्तों अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको जानना है कि ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई है या नहीं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं और वहां से जाके डायरेक्ट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। और आज की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।